We are at Bhusli in Karnal district of Haryana, and this is a field that has been completely cleaned by using fire. The farmers here say that they have no alternative. If the government gives them an option for what to do with the waste that comes from the rice crop, they're ready to utilize that option. ISRO scientists have studied the fires that are lit in fields in Punjab and Haryana, and they have found that Karnal is one of the worst affected districts in Haryana. This is true for the last decade. Fires are also lit in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, not just when the rice crop is harvested, but also a second time in the year in April when the wheat is harvested. Crop burning in regions around the NCR have heightened the pollution levels in the capital and around to emergency levels. This is why public pressure is building up for the states to do something about the problem. And the topmost priority is to control the fires that burn in the fields every year. ये मजबूरी है जी, इसका सुआग से कोई सलूशन नहीं है। अगर हम इसमें आग नहीं लगाते इसके गलने में कम 6 महीने का टाइम लग जाएगा, जिससे हम फसल बिजाई नहीं कर सकते। तो आपको एनजीटी और सरकार इन लोगों से थोड़ा खौफ नहीं है? खौफ है जी, एक मजबूरी है। सरकार से भी खौफ है, कानून से भी है खौफ है, फिर लेकिन एक परिवार का खर्चा चलाने की या अपनी फसल का खर्चा पूरे करने की मजबूरी भी हमारे साथ। आसपास के जो किसान हैं वो कभी आपसे कहते हैं कि आग क्यों लगाई? सभी जलाते हैं। मान लो हम जुर्माने से डर गए, हाँ जी, ऑफिसर से डर रहे हैं, आपके बात बिल्कुल रूल से डर रहे हैं, हमारी जमीन खाली पड़ी रहेगी जी। मान लो इसमें हमारी फसल 30,000 की है, अगली आपका जुर्माना 2,000 है, 1,500 है, ये एक मजबूरी है जमींदार की। किसान को इतनी परेशानी होती है जितनी वो ये इतने बड़े बड़े लोग हैं उनके पास कितनी गाड़ियाँ हैं। किसान वर्ग तो पहले कमजोर है, इसको भी परेशान कर रहे हैं। मान लो कोई किसान है 2 किले का 5 किले का, अगर वो 20 लाख की मशीन खरीद लेगा तो वो कमाएगा कहाँ से? कंबाइन की जो पराली है वो तो जलानी पड़ेगी, अगर आप हाथ से कटवाओगे तो नहीं जलानी पड़ेगी। कंबाइन से कटवाओगे तो कंबाइन से तो जो आपका अनाज है वो तो ट्रॉली में गिर गया, बाकी जो भी सारी ये वो गुद्दी है पराली है वो सारी खेत में रहेगी। तो अगर उसको हम नहीं जलाएं तो फिर खेत कैसे तैयार होगा? ये चलेगा नहीं। हाथ से कटाई के 5,000 रुपये हैं, कंबाइन की कटाई के 1,200 रुपये हैं। अच्छा, समझ गए। अगर हम कंबाइन से कटवाते हैं तो हमें 1,200 रुपये पे करने पड़ेंगे, और अगर हाथ से कटवाते हैं तो 5,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो आपका 5,000 का खर्चा हुआ? हाँ जी। कंबाइन से क्यों नहीं करवाए? भाई ये सड़क है, और बाई चांस अगर क्या कहते हैं आग उग लगा दें, भाई ये सरकार है वो कहते हैं कि चोर कौन जो पकड़ा जावे, हाँ जी, हाँ जी। जो पकड़ा नहीं जाता वो तो चोर होता ही नहीं। हाँ बंद तो नहीं करती गवर्नमेंट, बैन तो लगा दिया भाई, ना जलाओ। हमारे पर तो बैन है, जीटी रोड पर जाकर देख, न्यूज़लैंड मोरा फक 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 फक, उन पर कोई कंट्रोल नहीं। ट्रक पे और ये पुराने बार जो 100 साल के हो रही है चलते, आए मोरा तुम मेरे रमना कर रखा है, उठ नहीं सकता, उसको उठा के कहाँ गिरे, कहाँ ले जाएंगे इसको, जलाना ही एक ऑप्शन है। जलाने से आसान है, जल गया चलो भाई। कोई चेक नहीं करने आता? पहली बार नहीं, हम तो सरकार की तरफ से आए, गांव में नहीं पहले कोई नहीं आया। आपने फिर आग लगाई तो कब लगाई? वो तो थोड़े से में लगाई थी, उसी में मेरा बच्चा। तो किसने शिकायत कर दी गांव से या पुलिस वालों ने? सैटेलाइट होते हैं मैडम, शिकायतें करी होगी, शिकायत करी, सैटेलाइट भी होती है मैडम, सैटेलाइट भी होता है। तो फिर क्या हुआ? जुर्माना दिया जी, और क्या। तो अब आगे से आप आग नहीं लगाओगे? वो तो परेशानी करनी लगानी तो पड़ेगी, फिर भी डर है, पर्चा दर्ज होता है, बदनामी होती है, पैसे लगते हैं। आपको प्रदूषण का भी लगता होगा कि प्रदूषण भी है? भैया पहली बार हुआ यहाँ पे, हमें कभी इतना महसूस हुआ नहीं, ये तो आँखों में लगती है, धुंध थोड़ी है, अगर ये धुंध होती है आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते, इतनी ठंड होती है यहाँ। तो अगर आप गर्मी भी आओगे ना, गर्मी में भी ठंडी हवा लगती है यहाँ पे, खुला है ना सारा एरिया, हाँ जी। और यहाँ तो ऐसा घुटन सा हमें दिल्ली वाला महसूस होने लग गया थोड़ा। ये तो इसका ना चारों तरफ से ही हुआ है कुछ ना कुछ। सरकार को कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि किस मतलब, या तो गवर्नमेंट की तरफ से भी हम ही ले जाएंगे, चाहे वो पैसे दे ना दे, साफ तो कर दे। देखो
लगा के तो मजबूरी है किसान की, तो फूकेगा तो क्या करेगा। ये भी इसकी फूक के जुताई करके इसमें क्यों होगा, इसमें होने का नहीं। तो फिर आप लोग तो रात को डर डर के निकलते होंगे ये सब काम करने क्यों के लिए? रात को क्यों करते हैं, दिन में करते हैं, रात को क्यों करते हैं? नहीं क्यों? सरकार के आदमी नहीं घूम रहे? एक बताओ सरकार के आदमी जैसे आप आ रहे हैं अब दलाने को रोकेंगे, बताओ भाई क्या लिया था इसका, बंद कर देंगे हम। एक बताओ ना किसानों को प्राणी नहीं दिला देंगे फिर तो कभी खेती बंद कर दो अपनी, बोना ही नहीं कुछ भी आगे। किसान के धान का जो कबाड़ा फूक के मतलब जलाने के बगैर कुछ होने का ही नहीं, खेत में अगली फसल तैयार होती है। ये ऐसे इसमें क्यों बोना है इस खेत में, ये इसको नहीं फूकेंगे तो पड़ा रहोगा ऐसे, कैसे क्यों बो देगा इसको, होने का ही नहीं क्यों इसमें, बताओ किस तरह बोधा कोई इसमें, इतना अड़ंगा फूस कबाड़ पड़ा है ये सारा जलाया जाओगा जी, खेत की जुताई होगी नहीं, ऐसे होने की नहीं। While farmers admit that they are facing the effects of pollution this year more than ever before, at the same time they seek to shift the blame on to other factors such as vehicular pollution and the diesel trucks that ply in and around the region. Whatever the cause, it is for the government and the farmers to find a way out of the mess which has caused untold damage to the health of residents of cities as well as the farms.